बोर्ड के 12th स्टूडेंट फाइटर्स को बहुत बहुत नमस्कार। आज देखते हैं इंग्लिश का आपका पेपर हुआ है 8 तारीख को, इसका सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। ऑप्शन सारे बता देंगे। यूट्यूब पर ज़्यादातर वीडियो रहती हैं, इंग्लिश का सही सॉल्यूशन नहीं बता पाते हैं लोग, तो मैंने सोचा इंग्लिश का डाल देते हैं उत्तरी ज्ञान चैनल पर। चलिए जल्दी जल्दी से आप मिला लेना, आपके सेट ABCD होंगे तो आप क्वेश्चन के हिसाब से अपना पेपर खोल के रखें, पेंसिल रखें हाथ में, पेन टिक करते जाएँ, मिलाते जाएँ, ठीक है। फटाफट ए सेक्शन अपना ए है, ई सेक्शन ए से हम बता रहे हैं, ठीक है। सेक्शन ए सेट ए था, सेक्शन ए से चालू होते हैं। रीडिंग आपको एक पैराग्राफ दिया हुआ है, सारे सेट्स में एक होगा ए में, ठीक है। इसकी जल्दी जल्दी हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। हुई जाई हिंदी पैसे, तो सेक्शन में मतलब सेट ए बी सी में क्या होगा, पहला दूसरे नंबर तीसरा चौथे नंबर इस प्रकार होंगे, तो आप क्वेश्चन नंबर देख के मिलाएं। हुई जाए हिंदी पैसे, इसमें आंसर था जो टिक लगी है ना, ये टिक लगी है, आप इस टिक को देखते जाएँ वही आंसर है, ठीक है। सेकंड में डेढ़ कीजिए, थर्ड में अलाफदीज था जो इस प्रेनी जो है, ठीक है। स्क्रीन शॉट लेना से स्क्रीन शॉट लेने, PDF टेलीग्राम मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में। फोर्थ देखें, ब्रेन शिफ्ट्स वैन समथिंग डेंजरस हैपन्स गियर्स। फिफ्थ देखें, इन्फॉर्मेशन था। सिक्स्थ में दी इन्फॉर्म ब्रेन कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें था सेंसर, ठीक है। टिक लगी हुई है आंसर पे, मैंने सही से भी अपने पूरे के पूरे देखे हैं। विच एमंग दी जो एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेटिव। इन थाउजेंड्स ऑफ सच अभी आई बेबी जॉयस में जॉयस ब्रेन, दी ब्रेन रिक्वायर कितने परसेंट ऑक्सीजन, 20%। गिव दी बर्ब फॉर्म कर ट्रैक्शन, इसका कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक। एक पैसेज आया होगा, अल्टीमेट चैलेंज काम माइंड, इस पर आपको नोट बनानी थी। इसका टाइटल आप अच्छा सा लिख सकते हैं दी मेडिटेशन, बाकी नोट्स अभी मैंने नहीं बनाए, मतलब अगर चाहिए हो तो बताएं, तो हम ऑप्शन देख रहे हैं। मैं आपने उम्मीद करते हैं कि जी लेटर्स नोट मेकिंग बढ़िया तरीके से किए होंगे, और पैराग्राफ और रिपोर्टिंग या फिर आपने की होगी। सेक्शन सी ग्रामर में आ जाते हैं, आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन है दी कीप अवर माइंड ब्रेड इन दी ब्रिज फ्रिज सो दैट, इसमें आता सो डेट। हाउ मिल्क मच, इसमें मल्च, ठीक है। थर्ड है इंडियन यूथ, इस वाले में ऑफ था। मोहन टेडेस स्पीक लैंग्वेज कैन, इसमें मेड हु रोट दिस लुक बुक इन माई, इसमें दा था दा मैन, ठीक है, एक विशेष मैन की वो बता रहा था। आई नो डेडेस ही इज इल, इसमें क्या था भाई, डेट था कि वो ऐसा है बीमार है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7, ये डायरेक्ट ये बहुत ही मतलब अच्छे लेवल के आए थे। माई फ्रेंड सेंट मी ए लेटर, इसमें था अ चेंज इन दी बॉयस, वॉइस चेंज करने पर आंसर आता है। अ लेटर वॉज सेंट मी बाई माई फ्रेंड, राइटिंग गड़बड़ है थोड़ा एक्सचेंज कर लें आप, ठीक है। एज सुन एज आई मेट माई फ्रेंड आई स्टार्टेड बीपिंग, इसमें था नो सूनर डिड आई मीट माई फ्रेंड आई स्टार्टेड बीपिंग, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके लिए बता रहे हैं, आप इसमें बिल्कुल भी संकोच ना करें। यू कैन कैच द बस इफ यू टेक अ टैक्सी, इसको बनाने हैं। यू कैन नॉट कैच द बस अनलेस यू टेक अ टैक्सी, जब तक आप टैक्सी नहीं पकड़ते, प्रकार हिंदी छोड़े अभी। ही हैड हिज लंच, बहुत थोड़ा सा टफ लगा बच्चों को, इसमें था ही हैड हिज लंच, ठीक है। इसको हमें परफेक्ट टेंस में बनाना था, ये हैड जो है वर्ब का काम कर रहा है। सी डिड नॉट लाइक टू टॉक टू मी, सी डिड नॉट लुक एट मी, इसका नाइदर नॉर यूज करके बनाना था। सी नाइदर टॉक टू मी नॉर लुक एट मी, सिक्स्थ में देखें यू हैव, इसको रीअरेंज करके सेंटेंस बनाना था, सेंटेंस होगा हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव गॉट, ठीक है, ये गॉट लिखा है, सोचे क्या लिखा बाबू। सेवन्थ में टी इज सो हॉट दैट, तो इसको हमें टू और टू लगा के दी टी इज टू हॉट, ये हॉट लिखा है, ठीक है, इधर हीट नहीं हॉट होना चाहिए, इधर क्या है HOT हॉट टू ड्रिंक, ठीक है, टू ड्रिंक इतना ही। अब आगे चलते हैं, रीड फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट आया था आपका इंडिगो में से, गांधी जी वाला, चंपारण वाला, तो इसके आंसर खटाखट देख लें। हाउ मैनी डिग्री हेयर फलान ढकाना, तो 2301 उसी में लिखा है, बहुत ईजी था, इसमें 1942, ठीक है। और अगले चलते हैं, गिव द सिमिलर मीनिंग ऑफ पीजेंट, पीजेंट का मतलब होता है किसान यानी फार्मर,
चंपारण इज सिचुएटेड नियर नेपाल, नेपाल के पास सिचुएटेड था। फ्रॉम विच लेसन द एक्सट्रैक्ट हैज बीन टेकन, किस लेसन से लिया गया भाई साहब? इंडिगो, गांधी जी वाले, ठीक है। हाँ भाई चलते हैं, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, देख लीजिए आंसर, आंसर देखते जा रहे हैं। द पोएट्स कम फ्रॉम, कहाँ से आ रहा था भाई? अपने पेरेंट्स के घर से आ रहा था। कहाँ को जा रहा था? कोचिंग जा रहा था, आंसर ये होगा, ठीक है। कुछ ने ये लगा के आए होंगे, कोई बात नहीं, ये आंसर था। द वर्ड कॉर्प्स मीन्स होता है डेड बॉडी, मृत मतलब आरती होती है। नेम द पोएट कमला दास, आगे चलते जल्दी से। एक पोएट और थी आपकी, द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्लेस्ड ऑन हिज नोज, इसका था 10 days। चलिए जल्दी देखते हैं, प्रिंस वाज बॉर्न इन द ऑर ऑफ द बुल, अब बहुत ईजी था। फ्रॉम विच इज लेसन एक्सट्रैक्ट द टाइगर, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके क्वेश्चन आंसर थे, तो आप ही अपनी गाइड जो भी दिग्दर्शिका या परीक्षा विध्यान प्रश्न बैंक है आपके पास, उससे कर लेंगे होंगे उम्मीद करते हैं। तो इस वीडियो से हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए क्या होगा होगा, मतलब हेल्प हुई होगी, बहुत ही सारे सारे आंसर सही हैं। हम उम्मीद करते हैं आपका पेपर अच्छे से अच्छा गया होगा, और आगे की राय है हमारी कि एमपी बोर्ड में किस प्रकार के पेपर आ रहे हैं। तो हिंदी इंग्लिश का देख कर ऐसा लग रहा है कि इजी टाइप आ रहे हैं, क्योंकि एमपी बोर्ड ने फरवरी में एग्जाम कराए हैं, इसलिए इजी टाइप ही आ रहे हैं। तो आगे के जो पेपर हैं आपके, कुछ ही विषय मैथ केमिस्ट्री फिजिक्स भूगोल वगैरह फलाना ढकाना, वो भी इजी टाइप के आएंगे। उसमें इजी कठिन, जो कठिन टाइप के डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन हैं वह एक दो दिखेंगे, और बाकी सब इजी रहेंगे। अगर आप पी वाई क्यू 3 साल के लगा लेते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो आप इतनी तैयारी हो जाएगी कि आपका कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा कि आपको छूट कर चले जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, वीडियो को जाना बड़ी न बढ़ाती है। धन्यवाद, कमेंट में बस बताएँ कि वीडियो